कैटेगरी में आ गए हैं और यहां पर केरल का सामना पंजाब से है। केरल इससे पहले मध्य प्रदेश को 81-65 से हरा चुका है, पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 75-51 से हराया है। यानी दोनों टीम्स बड़े मार्जिन के साथ जीत कर एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। केरल और पंजाब दोनों ही पावर हाउसेज माने जाते हैं जहां तक भारत में बास्केटबॉल का सवाल है। एंड दैट वाज द केरला टीम इन व्हाइट, देयर सेंटर इज अरुणिमा प्लेइंग इन शर्ट नंबर 11, पॉइंट गार्ड जस्टिना इज नंबर 8 एंड नंबर 7 जयलक्ष्मी इज आल्सो देयर कैप्टन एंड द शूटिंग गार्ड। पंजाब योर टीम सुनील। थैंक यू सो मच रवि। आर टीम पंजाब और पंजाब की टीम ने अभी अभी सत्श्री अकाल का उद्घोष किया है। इनकी टीम में आप नजर रखिए हरसिमरन कौर धामी पर। हरसिमरन भारतीय सीनियर टीम के कैंप में जा चुकी हैं, यूएसए जाकर 4 दिन ट्रेनिंग कर चुकी हैं। टीम में 2 प्लेयर ऐसी हैं जो भारत के लिए खेली हैं, 1 प्लेयर जूनियर इंडियन टीम के लिए खेली है और हरसिमरन की हाइट है 6'3". नजर रखिएगा हरसिमरन पर जब वो लो पोस्ट में मौजूद रहेंगी रिबाउंड लेने के लिए और आसान बॉल्स को पुट ऑन करने के लिए, पुट इन करने के लिए। केरल व्हाइट में है, पंजाब की गर्ल्स ब्लू में है। ये अंडर 21 मुकाबला है, दोनों टीम्स एक एक मैच जीत चुकी हैं। टिप ऑफ, पहली बॉल केरल ने संभाली है हलीमा के पास, पंजाब ने इनफैक्ट संभाली है और पहला शॉट जो अटेम्प्ट किया था कोमलप्रीत ने किया था। कोमलप्रीत कौर द कैप्टन ऑफ द पंजाब साइड, बट देयर आर टू वेरी वेरी टॉल प्लेयर्स, प्रियंका बैल एंड हरसिमरन बोथ स्टैंडिंग एट ओवर 6 feet, सो द ट्विन टावर्स कुड बी डॉमिनेटिंग द लो पोस्ट एट बोथ एंड्स, दैट इज एडवांटेज पंजाब है। बट केरला विल ट्राई एंड इंप्रेस विद देयर आउटसाइड शूटिंग बिकॉज दे आर गिविंग अवे अ लॉट इन इंचेस। द ओनली प्लेयर हु कैन मैच द हाइट इज नंबर 11 अनुमारिया। Kerala in white, Punjab in navy blue. No points yet on the board. Remember, it's 4 quarters of 10 minutes each. Get the ball away out quickly. That could have been a 10-point opportunity. Tried to drive in was Srikala Rani. Picked up a hacking foul, but will go to the free throw line. So there you see the hands coming right across the forearm, not allowing the player to get a shot off. Inbound, no free throws. क्योंकि ये शूटिंग फाउल नहीं था, केरल की प्लेयर शूट करने की ट्राई नहीं कर रही थी। अगर शूट कर रहे हो तो फाउल हो तो आपको फ्री थ्रोज मिलते हैं। मौका केरल के पास है, जया लक्ष्मी ड्राइव करके अंदर आई है, अपने साथी को ढूंढा है, बैंक शॉट लगाया, पहले 2 पॉइंट पेट में से मिले हैं केरल को। Kept taking the ball out, but finally that drive-in layup by Srikala Rani gets Kerala on the board. Now Punjab have got to come back. Oh, nearly lost the ball there, Punjab. But controlled well by Priyanka Bell, and she is gone out of play, out of bounds, and losing possession, Punjab. So Punjab yet to settle down. We are 1 minute plus into the game. Remember, it's 4 quarters, 10 minutes each. Each coach allowed 2 timeouts per half. Second half, they're allowed a third timeout as well, but only 1 timeout in the final 2 minutes. और यहाँ रवि शूटिंग फाउल किया गया है, 2 पॉइंट लेने की कोशिश कर रही थी अनु मारिया, उन पे फाउल किया गया तो उनको 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। पहला फ्री थ्रो मिस कर दिया, 18 फीट दूर से फ्री थ्रो लिया जाता है, एक रेक्टेंगल बना है, ये देखिए रेक्टेंगल के बिल्कुल अंत से आप फ्री थ्रो ले सकते हैं, हर फ्री थ्रो का 1 पॉइंट। तो 1 फ्री थ्रो नॉक डाउन किया, 3-0 की लीड केरल की। Bringing the ball up for Komalpreet and first points for Punjab, 1 point the lead for Kerala. Kerala again, this time stolen away by Punjab, want to get away quickly, but Kerala defense has gone back very well. पहले 3-pointer की कोशिश है, ऑफेंसिव रिबाउंड नहीं आया पंजाब के लिए, जब बॉल रिंग को लगे और अटैक करने वाला प्लेयर ही उसको दोबारा ले या उसका टीम में ड्राइव करके अंदर आई। अच्छा ड्रिबल दिखाया था जयलक्ष्मी ने, लेकिन अंत नहीं कर पाई, ये जयलक्ष्मी है।
That was Kerala number 7 trying to go for a rather difficult attempt with a underhand. This time overhead shot. Good rebounding by Kerala. Must say, despite the twin tower challenge that Punjab has presented, they are lacking that sting. And Kerala have scored and picked up a foul as well. That is a third team foul by Punjab. So they will get into foul trouble. There you see the hand coming right across the face. Foul given and the 2 points as well. इसे कहते हैं हुप एंड हार्म। अगर आप शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, शूट हो गया, स्कोर मिल गया, तो एक फ्री थ्रो मिलता है, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई श्री कला। अगर शूट नहीं हुआ, शूट करते हुए फाउल हुआ और स्कोर नहीं हुआ, तो दो या तीन आपको फ्री थ्रो मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट का शॉट अटेम्प्ट कर रहे थे। तो श्री कला को 2 पॉइंट मिले लेकिन फ्री थ्रो से कन्वर्ट नहीं हो पाया। इनबाउंड केरल ही करेंगे इस बॉल को। रिफ्लेक्शन केम ऑफ अ पंजाब प्लेयर, अदरवाइज दैट पास गोइंग टू द अदर एंड कुड हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स फॉर केरला। शोइंग मच बेटर कॉट मूवमेंट इनसाइड द पेंट एरिया। अगेन द विसल एंड दिस टाइम इट विल सर्टनली बी ऑन द फ्री थ्रो लाइन। Drive and there you see slap on the hand, very very elementary foul. प्रियंका बहल के खिलाफ को फाउल गया है। बॉल रिलीज हो चुकी थी केरल प्लेयर के हाथों से, तो 2 पॉइंट की शूटिंग थी जिस पे फाउल हुआ, तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे श्री कला को। पहला फ्री थ्रो नॉक डाउन उन्होंने कर दिया है, 4 पॉइंट की लीड है। दूसरा फ्री थ्रो भी इस बार 100% श्री कला रही। और पंजाब की टीम टोटल 4 फाउल कर चुकी है एक ही क्वार्टर में। अगर एक टीम 4 फाउल कर दे तो उस टीम का हर एक अगला फाउल विरोधी को 2 फ्री थ्रो देगा। तो पंजाब को अपने फाउल्स पर, अपने चैलेंज पर, अपने टैकल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अब On the other side, Kerala yet to commit a foul. This time nearly lost the ball. Kerala looking very comfortable. Remember, the other two teams in this pool are Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. There you see recovery. Very well close to the end line. So keep possession, Kerala. Srikala got the speed playing at this small forward position. Nearly got it back once again. But finally getting the ball out of traffic, Punjab. Twin towers yet to fire. वही जिनकी आप बात कर रहे थे, फाउल ड्रॉ करने में कामयाब रही है प्रियंका बहल, जो कि अमृतसर से हैं, एज वी कॉल अमृतसर। ट्विन टावर में से एक प्रियंका बहल पर ये शूटिंग फाउल किया गया। जब शूट कर रही थी हाथ पे हाथ मारा गया, 2 पॉइंट का शूट अटेम्प्ट था, तो अब 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। लेट्स सी हाउ वेल प्रियंका बहल कन्वर्टिंग फर्स्ट फ्री थ्रो। सो पंजाब cutting the lead down to 4. Both free throws converted by Priyanka Bahl. So the first foul for Kerala has put Punjab back. They need to start giving the ball to both their tall players, Harsimran and Priyanka Bahl, near the rim more, so that they can score with more regularity. Remember, 24 seconds is what a team has to get their first shot. Thereafter, each time you hit the rim, if you make it, you lose possession. But if you don't, still get another 14 seconds. Good passing from Punjab players, Ravi. Badi quick passing ho rahi hai. 14 second ka time abhi hai. Drive karke andar gaye aur chhata point Harsimran ka. Twin towers mein se dusri sabse lambi player, 6'3" Harsimran ki height hai. Aur yahi ye Harsimran wahi player hain jo US se jaakar basketball ke gad mein jaakar training karke wapas aayi hain Bharat. 3 point attempted by point guard Justina Sajid, but again, and this time again, rejected by the rim. So Maharashtra will inbound. 2 shots attempted. Normally, the point guards shoot very well from a distance, not finding her range. And this time again, coming through, Priyanka Bahl not successful. ऑफेंसिव रीबाउंड पंजाब के अच्छे नहीं आ रहे। उन्होंने रिम पे शॉट लिए हैं, लेकिन 2 लंबी प्लेयर होने के बावजूद ऑफेंसिव रीबाउंड अगर आप ना ले पाए, तो पता चलता है कि अटैकर्स में कोऑर्डिनेशन की कमी है।
isn't it obvious, Sunil? Height is not how you pick up the rebound. You got to read the play better, and I think Anu Maria is doing that much better for Kerala. So taking position, Anu Maria is playing center and wearing shirt number 11. This is Aparna. सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आई है. फाउल कमिट किया गया था तो दो फ्री थ्रो केरल को मिले थे, दोनों वेस्ट कर दिए. आ ये ज्यादा ऊंची चली गई बॉल, लंबा पास देने की कोशिश थी. काउंटर अटैक केरल का है, थ्री पॉइंटर की कोशिश. अभी तक एक भी थ्री पॉइंटर देखा नहीं है, लेकिन यहां ऑफेंसिव रिबाउंड पहला, उसके बाद दूसरा, इसी में कामयाबी नहीं. गुड वर्क इवन अंडर द offensive board by the Kerala rebounders. There you see the first rebound, missing it completely, but then fighting for that ball was Komalpreet Kaur, the Punjab captain. Ball with Kerala, that's the center. Anu Maria not being allowed any space under the rim, so obviously we haven't seen her getting too many shots, and this time the ball taken clean out of the shooting guard's hand. Shrikala lost the ball, and this is an opportunity for Priyanka Pal. Couldn't control it, got into trouble, looking for space. Her own teammate cramped her in. कोमलप्रीत का इतना अच्छा पास मिला था प्रियंका को, फिर हरसिमरन भी आ गई. ओपन चांस था, यहाँ ओपन चांस है. 23 फिटर, क्या बात है, पहला थ्री पॉइंटर इस मुकाबले का. सबसे मुश्किल एंगल होता है यहाँ से थ्री पॉइंटर दागना. लुक एट दैट, डन विद प्रिसीजन. No help from the board either. Now that is called precision on a three-point shot. Always the most difficult shot. Punjab replying. Not in the same kind. Priyanka Bell will pick up the rebound. So Punjab keep possession. Oh! Sunil, I've been telling you right from day four, there's some problem in that area of the stadium. Communications lines always get crossed, and timeout called by Punjab. Their coach Saloni wants the players to regroup, because the player, there is obvious lack of coordination between the Punjab players, and one of the most difficult shots in the game, the three-point shot, taken from a distance of 21 feet, clean, nothing but the basket. Just जिस प्लेयर ने थ्री पॉइंटर लिया, तीन पॉइंट उसके अकाउंट में जाएंगे. जिस प्लेयर ने पास दिया अपर्णा, असिस्ट उनके नाम जाएगा. और बास्केटबॉल में जितना रोल स्कोरिंग का है, उतना ही रोल असिस्ट का भी है, रिबाउंड का भी है, स्टील का भी है, ब्लॉक का भी है. रिबाउंड यानी कि जब रिम को लग के बॉल नीचे आए तो आप उसको पकड़ें, वो रिबाउंड है. असिस्ट यानी कि आप अपने साथी को बॉल दें और वो स्कोर करे. ब्लॉक, जब विरोधी टीम का खिलाड़ी स्कोर कर रहा हो, आप बॉल को रास्ते में ब्लॉक कर लें. तो पॉइंट, रिबाउंड, असिस्ट, स्टील और ब्लॉक. स्टील यानी कि दूसरे से बॉल छीनना. इन पांच कैटेगरीज में अगर किन्हीं दो कैटेगरीज में आप डबल डिजिट में स्कोरिंग करते हैं, उसे डबल डबल कहते हैं. किन्हीं तीन कैटेगरीज में अगर आपने डबल डिजिट स्कोरिंग किया, उसे ट्रिपल डबल कहेंगे. और ये खिलाड़ी के प्रदर्शन का पैमाना है. एक और 23 फिटर, क्या बात है रवि, जबरदस्त बैक टू बैक थ्री पॉइंटर श्रीकला रानी की तरफ से. Well, श्रीकला रानी has been showing a lot of enterprise as the shooting guard for the side. They are supposed to be specialists in this area. And air ball by Punjab won't help their cause as Shrikala Rani once again drives in very, very quickly, draws a foul. This is the three-pointer from Shrikala Rani. Again, off the rim, but straight in. Female Steph Curry, Kerala ki, ban chuki hai Shrikala Rani. और उनको अब कड़ी मार्किंग किए जाने की जरूरत है. अच्छा एक ब्लॉक था नंबर 10 पंजाब की सुखमन दीप का. अब बॉल हाथ से चिटक गई, बॉल हाथ से चिटक कर बाहर गई. बॉल इनबाउंड, पंजाब करेंगे. पंजाब नीड टू गेट दैट डिफेंस टाइट, नॉट अलाउ ओपन शॉट्स टू केरला. केरला हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 5 थ्री पॉइंटर्स सो फार, मैनेज टू गेट 2 ऑन टारगेट. First quarter, under 3.5 minutes to go. Punjab still struggling to find their rhythm. Not able to cash in on the advantage of inches. This time it comes. सुखमनदीप तो पंजाब के सब्स्टिट्यूट ने काम किया है. सुखमनदीप कौर लुधियाना से हैं और इनकी कोच सलोनी हमें बता रही थी कि इनको हम फर्स्ट चेंज में लेकर आएंगे. अच्छी शूटर है, हम शुरुआत में इनको
एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो सुखमन दीप ने स्कोर किया है, फाउल की विसल बजी है और ये फाउल सुखमन दीप के खिलाफ ही दिया गया है। पंजाब पहले ही फाउल ट्रबल में है, तो ध्यान दीजिए जब जब आप फाउल करेंगे केरल को दो फ्री थ्रोज मिलेंगे। ये देखिए नंबर 10 सुखमन दीप किस तरह से हाथ मारा उन्होंने विरोधी प्लेयर पर, अनु मारिया पर, और अनु मारिया अब फ्री थ्रो लाइन पे जाएंगी जिसे चैरिटी स्ट्राइप भी कहा जाता है, यानी चैरिटी है, दो पॉइंट ले लीजिए। अनु मारिया ने कहा थैंक यू सो मच। अनु मारिया हैड गॉट बोथ अ फ्री थ्रोज इन द प्रीवियस attempt and here again, so she's got a 100% record on from the free throw line, all four free throws completed by Anu Maria. So fouling her isn't going to be very profitable for Punjab. बिल्कुल, कई अच्छे शूटर होते हैं रवि, जो अच्छे फ्री थ्रो शूटर नहीं होते तो प्लेयर जानबूझ के उनको फाउल करते हैं कि थ्री पॉइंट रोक दो, तीन फ्री थ्रो मिलेंगे, एक आध तो मिस हो ही जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्या शूटिंग फाउल दिया गया, बिल्कुल शूटिंग करने की मुद्रा में थी पंजाब की प्लेयर, लेकिन बॉल इनबाउंड करने को कहा गया है। अनफॉर्चुनेटली फॉर पंजाब द बॉल वाज पास्ड व्हेन द फाउल वाज कमिटेड, सो एंड इट वाज पास्ड अवे फ्रॉम द बास्केट, सो रेफरी कुडंट रूल दैट एज अ शूटिंग फाउल। दिस इज अ गुड अटेम्प्ट, दिस टाइम पंजाब विल गो टू द फ्री थ्रो लाइन। हरसिमरन कौर धामी को, हरसिमरन धामी को फाउल किया गया है, टीम के सबसे लंबी प्लेयर हैं, 6'3" इनकी हाइट है, कपूरथला से आती है, कपूरथला जलंधर के पास ही एक स्मॉल टाउन है, जलंधर अमृतसर हाईवे के थोड़ा अंदर। पहला फ्री थ्रो मिस, जलंधर अमृतसर हाईवे नोन आल्सो फॉर इट्स वेरी वेरी माउथ वाटरिंग पराठास। तो रवि अब पंजाब में किसी हाईवे पे चले जाइए, माउथ वाटरिंग परासा, पराठाज, दाल मखनी, सरों दा साग, आजकल तो मौसम चल रहा है, गुवाहाटी के बाद सीधा वहीं चलते हैं। डेफिनेटली एंड पंजाब हॉस्पिटैलिटी वेल नोन, बट दिस इज एन एयर बॉल फ्रॉम केरला, डोंट गेट टू सी टू मेनी ऑफ दोस। एयर बॉल यानी कि बॉल जब किसी भी खिलाड़ी के पास ना पहुंचे, हवा में दागी हुई बॉल वो एयर बॉल कहलाती है। एकदम अनमार्क प्लेयर मौजूद थी पंजाब की, घूमकर स्पिन करके बैंक शॉट लगाया, ऑफेंसिव रिबाउंड लिया और प्रियंका बहल ने दरवाजा खटखटा दिया है। और प्रियंका बहल इज नाउ स्टार्टिंग टू क्रिएट दोस ओपनिंग्स अंडर द रेन, पिकिंग अप द बॉल एंड स्कोरिंग एंड जस्ट द लीड 4 points फॉर केरला एज वी गो अंडर 2 minutes इन द फर्स्ट क्वार्टर। Delayed start to this match because the previous match, a very very closely contested one between Haryana and Delhi boys, so that got slightly delayed because of the close scores, so coaches were taking timeouts, and this time it is once again Priyanka Bahl on the job. तो प्रियंका बहल को जब से सेंटर के रोल में लेकर आई हैं सलोनी, वो ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। सेंटर वो खिलाड़ी है जो टीम के सबसे लंबे प्लेयर्स में से एक है और वो रिम के नीचे मौजूद रहता है। बिल्कुल वही काम अब अनु मारिया ने किया, उसका वही काम है कि आप रिम के आसपास रहें, 3 सेकंड से ज्यादा आप मौजूद नहीं रह सकते बॉल लिए, नहीं तो 3 सेकंड वायलेशन हो जाता है। लेकिन जब से प्रियंका बहल को सेंटर का रोल दिया गया है रवि, थोड़ी सी स्कोरिंग ज्यादा हो रही है पंजाब के लिए। Well, definitely the center need to create the position under the rim. And this time rejected. And rebound not collected cleanly by Kerala. Kerala have drawn in the defense. There you see crowding Punjab out, but this time a common ball, so it will be Punjab rebounding, and we heard the buzzer, so possibly a timeout. Timeout has not been called. In fact, एक substitute किया है पंजाब ने, सुखमन दीप को बाहर बुलाया है, कोमलप्रीत को अंदर शामिल किया है, यानी कि लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट है। फाउल ड्रॉ किया गया है पंजाब की तरफ से, एक फेड अवे लगाने की कोशिश थी प्रियंका बहल के द्वारा, जो अब फ्री थ्रो लाइन पर जाएंगी, यानी कि 19-15 स्कोर बनाने का मौका होगा। देयर यू सी अ फेड अवे जंपर अटेम्प्टेड बाय प्रियंका बहल, बट डबल टीम ऑन हर। ओह, दैट फाउल वर्किंग
यानी प्रियंका बहल भी उन प्लेयर्स में से एक है रवि जो टू पॉइंटर तो लगा देंगे लेकिन फ्री थ्रो से कम पहली बार तो वो कामयाब नहीं हुई। कोई चैलेंज आपके सामने नहीं है, सिर्फ आपको बॉल रिम में डालनी है। शी मेक्स इट नाउ, तो 50% रिकॉर्ड फॉर प्रियंका बहल। Well, it's very important that the centers have their range from the free throw line because they are the people who will collect most of the fouls from the opposition because they're very, very closely guarded under the rim. Punjab's defense is playing around the three-point area, so there could be an attempt to drive in. Kerala not able to cash in on that. On a fast break, Punjab trying to create an opportunity. I haven't seen a three-pointer attempted this time again. A long two-pointer from a distance, but correctly on target, absolutely. This is Sapreet Kaur, number four, came in as a substitute. Another girl from Amritsar, Sapreet Kaur. इन्होंने मिड रेंजर लगाया था थ्री पॉइंट लाइन के थोड़ा सा अंदर से, लेकिन एकदम एक्यूरेट शूटिंग सप्रीत कौर की तरफ से। डेफिनेटली थ्री सेकेंड्स टू गो, सो द बजर सिग्नल्स द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। सो इन द फर्स्ट क्वार्टर गुड टैक्टिकल प्ले बाय केरला हैज गिवन देम अ थ्री पॉइंट लीड। देने वाला था ये थ्री पॉइंटर, कमाल का था। सबसे मुश्किल एंगल तकरीबन 25 फीट से श्री कला रानी ने ये थ्री पॉइंटर स्कोर किया था, और जो दूसरा थ्री पॉइंटर था वो भी बिल्कुल उसी स्पॉट से। तो ये जो एंगल है तकरीबन 25-26 फीट दूर से श्री कला रानी का फेवरेट है। पंजाब के डिफेंस को अब आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि श्री कला को यहां ओपन बॉल ना मिले। इसके बाद पंजाब ने अपनी टैक्टिक्स में चेंज किया जब प्रियंका बहल को सेंटर खिलाया रवि। But change of tactics did seem to work for Punjab because Priyanka Behl had certainly found her range and was also able to draw the fouls from the Kerala defense. So Kerala, not this time, a good knockdown by Anu Maria. We are all set to get the second quarter underway. Punjab will have to try and get their centers, the taller players, more involved in the game if they need to come back. So at the end of the first 10-minute period, 19 Kerala, 16 Punjab. We are all set to get the second quarter underway. 10-10 मिनट के चार क्वार्टर हैं। पहले दो क्वार्टर में जो टीम लेफ्ट टू राइट अटैक कर रही थी, अगले दो क्वार्टर में वो उसकी विपरीत दिशा में अटैक करेगी। ये घमासान है, अब कॉमन बॉल रूल करनी ही पड़ेगी रेफरी को। Not the best idea to throw a pass to a player who stands at 6 feet plus. Anu Maria had trouble bending and picking up that one. Kerala playing in white, Punjab in navy blue. Another missed attempt by Harsimran Dhami. But Priyanka Behl draws a foul. And first foul by second foul by Srikala Rani. First foul of the second quarter. Remember,
after the team has collectively made four fouls, fifth foul onwards, it's automatically two free throws. So that is a penalty that neither team can afford to get into early. Good start by Punjab in the second quarter, Ravi. एक तो उन्होंने फाउल ड्रॉ करवाया केरल से और उसके बाद जो दो फ्री थ्रोज मिले प्रियंका बहल को, दोनों नॉक डाउन किए. स्कोर डिफरेंस एक का बाकी है और अगर टीम चार फाउल करे एक क्वार्टर में, वो रूल आपने बताया, अगर एक प्लेयर इंडिविजुअली चार फाउल करते तो ठीक, पांचवे फाउल के बाद उसको गेम छोड़नी पड़ेगी. मिड रेंजर लगाया है दिव्या सैम ने और अपना खाता खोला है. वंडरफुल टर्न अराउंड जंपर जस्ट ड्रू अवे फ्रॉम द डिफेंस, found the space and found her range as well. Now can Punjab get back? Trouble getting the shot clock running down now and lost the ball. So Kerala will steal that one and try and settle things down. Sri Kalarani and good finish there from Aparna Sadasivan. बहुत अच्छा स्टील था सबसे पहले अपने ही हाफ में, उसके बाद अच्छा कोऑर्डिनेशन जस्टिना और अपर्णा के बीच में. पंजाब की टीम उतनी जल्दी फॉल बैक नहीं कर पाई अपने डिफेंस में, छोटे कद के प्लेयर्स को मौका दे दिया तेजी से दौड़ के स्कोर करने का. फिलहाल बॉल इनबाउंड, पंजाब के प्लेयर करेंगे. क्या टर्न, टर्न अवे जंपर लगाया जाएगा, विसल बज गई है. इनफैक्ट ये शूटिंग फाउल है और अगर आप प्रियंका बहल पर शूटिंग फाउल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि केरल ने अपने प्लेयर को मार्क कर लिया है. प्रियंका अच्छी टू पॉइंट शूटर है, दो पॉइंट से आपने पहले इनको वंचित कर दिया, लेकिन दो फ्री थ्रोज में से एक भी अगर मिस हो गया तो आपने एक पॉइंट का फायदा कर लिया. इन दिस क्वार्टर सो फार ऑल थ्री फ्री थ्रोज हैव बीन राइट ऑन द मनी. And make it 100% in the second quarter. She did miss one out of two in the first. There you see from the free throw line, Priyanka Bahl certainly keeping her team in contention. Kerala still 3 points ahead, 23-20. But the 3 point is what the lead was at the end of the first quarter. Punjab a little slow in coming up. Remember, you have 8 seconds, but you don't have to use up all the 8 seconds. And that kind of tactics is very, very difficult to understand. Good shot there from Harsimran. So now the other tower has also started firing. Well, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है रवि. प्रियंका बहल स्कोर कर रही है, हरसिमरन ने प्रेरणा ली. यहाँ टर्न अराउंड जंपर लगाया जोमा गेजो ने, ओपन स्पेस उनको मिला और छोटी हाइट का बेनिफिट. आपको देखिए किस तरह से टर्न किया, बड़े प्यार से टू पॉइंटर. It's all about timing your jump. Waited for the defender to jump and then took the shot. Made the shot. Ball with Punjab. Harsimran Dhami now taking a position under the rim. Remember, player without the ball cannot spend more than 3 seconds inside that square area. Running shot attempted. Foul. Drawn by Punjab. Smart play there. Sukhmandeep Kaur, shot number 10. There you see, shot attempted, slap from behind, possibly a tap from behind to distract her. और अगर वो शॉट लग जाता, अगर टू पॉइंटर स्कोर हो जाता तो एक फ्री थ्रो मिलता, लेकिन चूंकि शॉट लगा नहीं और आपने दो पॉइंट का अटेम्प्ट लिया था तो दो फ्री थ्रो मिले, उसमें से एक कामयाब हुआ, एक नाकामयाब सुखमनदीप का. Well, there is a bit of a problem for Kerala because they've already got three fouls in their name. Punjab haven't picked up any fouls in the second quarter so far. So that is showing a better recovery from Punjab. Shot clock running down. 15 now. Sri Kalarani bounce pass once again. Three-pointer. But air ball didn't get anything. No board, no ring. तभी पंजाब के डिफेंडर्स ने एक काम किया है कि श्री कला को थ्री पॉइंट लाइन के बाहर से मार्क करना शुरू किया है. हरसिमरन के पास बॉल है, दो डिफेंडर उनके सामने, फेड अवे लगाया बिल्कुल निशाने पर. Well, both towers start firing now for Punjab, and that is not a good signal for Kerala. They've got to get their outside shooting up to speed. Two pointer attempted. Defensive
25 all the score. Punjab always considered a powerhouse in basketball, whether at the junior or the senior level. और पिछले सीजन अंडर 17 बॉयज गर्ल्स दोनों गोल्ड पंजाब के पास थे. फिलहाल हम अंडर 21 में हैं और केरल ने टाइम आउट बुलाया है. टोटल 5 टाइम आउट हैं हर टीम के पास. पहले 2 क्वार्टर्स में आप मैक्सिमम 2 टाइम आउट ले सकते हैं और जब गेम के आखिरी 2 मिनट बचे हों तब आप मैक्सिमम 2 टाइम आउट ले सकते हैं आखिरी 2 मिनट्स में. तो यानी 1 टाइम आउट आपको पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए और कोचेस अक्सर 2 टाइम आउट बचा के रखते हैं क्योंकि यहां पर मान लीजिए विरोधी टीम को फ्री थ्रो मिल गए, आप चाहेंगे कि आप टाइम आउट लें, उनका रिदम तोड़ें या उनकी जो शूटिंग है उसको बीच में डिस्टर्ब करें. तो टाइम आउट किसी भी कोच की स्ट्रेटजी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है बास्केटबॉल में. वेल डेफिनेटली टाइम आउट प्ले अ ह्यूज रोल. रिमेंबर दिस इज द ओनली गेम वेयर देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट्स ऑन द बेंच देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन कोर्ट फॉर ईच साइड. 5 ऑन कोर्ट, 7 ऑन द बेंच, दैट इज द स्टैंडर्ड composition of any team. Punjab have the ball with them, scores level at 25 all. Kerala in foul trouble in the second quarter. Sonam Preet, good coordination this time, and Rajandeep Kaur, number 7, gets it on target and gives Punjab the lead for the first time. Three-pointer hits the outside of the rim. Good recovery by Rajandeep once again. Fast break on, and Priyanka Bahl goes up and back towards Sukhmandeep Kaur. So Sukhmandeep Kaur and Rajandeep have suddenly got into the action as well. बिल्कुल अपने शूटर चेंज किए हैं पंजाब ने. राजनदीप ये है इनका थ्री पॉइंट अटेम्प्ट, मिस किया है इस बार श्री कला ने. रिबाउंड लिया गया ऑफेंस का, दोबारा से ऑफेंसिव रिबाउंड है, बॉल गई बाहर और पंजाब कैन ब्रीद इजिली नाउ. रवि, केरल ने टाइम आउट लिया था लेकिन टाइम आउट के बाद दोनों टू पॉइंटर अटेम्प्ट पंजाब के कामयाब रहे. पहली बार लीड में है वो. लीड बाय 4, पंजाब विल कीप पोजेशन. Get the ball out, back in, turnaround jumper on target, and Priyanka Bahl continues her great work. Good drive there and turns towards the basket to evade the defense. Now 6 points the lead for Punjab. Left hand layup not successful from Shikhar Rani. Good block from Priyanka Bahl. It was left-handed block. और ये टीम की अनसंग हीरो हैं जिन्होंने पास दिया है. बहुत अच्छा काम राजनदीप ने किया लेकिन पंजाब की नंबर 6 जो है कोमलप्रीत कौर, टीम की पॉइंट गार्ड, वो कितनी खूबसूरती से बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं. एक बॉल राजनदीप को, दूसरा सुखमनदीप को, फिर राजनदीप को. केरल के डिफेंस को नचा के रखा हुआ है पंजाब की पॉइंट गार्ड कोमलप्रीत कौर ने. That is what is the smart bit of work that Punjab are doing. Kerala is expecting Punjab to give the ball more to their taller players, but you start double teaming them, so you have to leave somebody open, and that is the advantage being utilized by Punjab to get that lead. At the moment, leading by 8, Punjab down by 3 in the first quarter. First quarter 19-16, but Kerala have just got 6, while 17 have been scored by Punjab in the second quarter, and we still have more than half the second quarter to go. 5 minutes 25 seconds remaining out of the maximum possible 10. जबरदस्त खेल दूसरे क्वार्टर में पंजाब का. उनकी पॉइंट गार्ड वाकई में कमाल कर रही है, स्ट्रेटेजी बदली है. ना सिर्फ हरसिमरन प्रियंका बहल बल्कि सुखमनदीप और राजनदीप को वो खेल में लेकर आए हैं. 17-6 से आउटस्कोर कर रहा है पंजाब केरल को सेकंड क्वार्टर में. और केरल के जो थ्री पॉइंट शूटर हैं श्री कला, इस क्वार्टर में एक भी वो पॉइंट हासिल नहीं कर पाई हैं. ये है श्री कला, फेड अवे लगाया, मिड रेंज से कामयाबी नहीं मिली. ये होता है जब आप फिटिंग प्रेशर में हो तो आप मिड रेंजर भी कामयाबी से नहीं लगा पाते. इस तरह से टर्न ओवर कमिट कर दिया केरल ने, टर्न ओवर कमिट कर दिया. सुखमन के पास बॉल है, क्या खुद ट्राई लेंगी सुखमन क्योंकि खुद अच्छी शूटर है. डबल टीम उनको किया गया और ये क्या कॉमन बॉल रूल होगी? जी हां, डबल थम्स अप. केरला पैनिकिंग अ लिटिल आई थॉट इन देयर डिफेंस एंड दैट इज स्टार्टिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑफेंसिव
play as well. Rejection by the basket. Anupriya draws the foul, trying to put back that rebound using her height. But fouled, there you see Priyanka Bell. Second foul for Priyanka Bell. So not much of a problem for the headache for the coach Sonal Saloni just yet. Do tak theek hai. तीसरा फाउल जब आपने ड्रॉ कर लिया इंडिविजुअल तौर पे तो आप फाउल ट्रबल में आ जाएंगे क्योंकि चार फाउल के बाद पांचवा फाउल आपको गेम से बाहर कर देगा. टॉकिंग अबाउट फाउल रवि, केरल ने ऑलरेडी चार टीम फाउल कमिट कर लिए हैं तो इस पूरे क्वार्टर में उनका हर एक फाउल पंजाब को दो फ्री थ्रोज देगा. पंजाब ने ये अच्छी पासिंग है, बैंक शॉट लगाया. राजनदीप कौर ने इस क्वार्टर में तीसरी बार टू पॉइंटर भागा है. When your taller players are being marked so closely, the others have come to the party, and that's exactly what is happening with Punjab. Good change of strategy by Saloni. This time a two-pointer, not successful. Off the rim, picked up easily by Punjab. Remember, team has 8 seconds. Harsimran Dhami will not shoot from that far. Usually, the taller players don't like to shoot from too far. Three-pointer off the rim. Three-pointer Punjab ne ek bhi score nahi kiya. Koi baat nahi. जब तक टू पॉइंटर आपके लगातार आते रहे तो प्रॉब्लम नहीं है. सुखमनदीप कौर ने ये थ्री पॉइंटर अटेम्प्ट किया था. द गर्ल फ्रॉम लुधियाना नॉट फार अवे फ्रॉम द टारगेट. रिम को लग के बॉल गई है लेकिन सुखमन ने, राजनदीप कौर ने सेकंड क्वार्टर में अपनी टीम की स्कोरिंग को डोमिनेट किया है और डबल डिजिट का लीड पंजाब के पास इस समय है. दूसरा क्वार्टर केरल की शूटर्स के लिए अच्छा नहीं. एंड टॉकिंग अबाउट शूटर, फाइनली कुछ एक्शन जयालक्ष्मी की तरफ से देखने को मिला लेकिन थ्री पॉइंट आपके अंदर से शूट किया था तो दो पॉइंट मिलेंगे. वेरी डिफिकल्ट एंगल, यू कांट यूज द बॉल फ्रॉम दैट एंगल. सो गुड शॉट देयर दिस टाइम. ग्रेट फेड अवे जंपर. दिस वाज हरसिमरन धामी वंस अगेन. No board, straight into the basket. Very, very tough shot. Tallest girl in the match, in the game, standing tall at 6'3" और उसका जवाब दिया है श्री कला रानी ने. दूसरे क्वार्टर में श्री कला दो डिफेंडर्स के बीच में से ग्लास शॉट, ग्लास का सहारा लिया. उसका जवाब थ्री पॉइंटर से देने की कोशिश कर रही थी हरसिमरन. थ्री पॉइंट शूटिंग पंजाब की नहीं चली है रवि, लेकिन बॉल दोबारा से स्टील कर ली गई है. ओपन शॉट है, ग्लास का सहारा लेकर भी शॉट नहीं लगा. दिस इज डिसअपॉइंटिंग. प्रियंका बेल वाज आस्किंग फॉर अ फाउल, डिडंट गेट द नॉट फ्रॉम द रेफरी. थ्री पॉइंटर नॉट ऑन टारगेट. So Kerala relying on their outside shooting to get back into this match. 8 points in the area so far. Great recovery, but out of bounds. अच्छी कोशिश थी पंजाब के प्लेयर की बेसलाइन पर जाकर राजनदीप की बॉल को इन प्ले रखने की, लेकिन नाकामयाब रही. तो बॉल अब केरल के पास है. ये देखिए डॉज अच्छा दिया था, बाउंस पास देने की कोशिश थी पर बॉल आउट ऑफ बाउंड चली गई. श्री कला रानी, शी इज डेंजरस फ्रॉम दिस एंगल, इसीलिए डबल टीम किया गया. गुड स्टील फ्रॉम राजनदीप कौर. वन वर्सेस वन, वापस से बेसबॉल पास है और स्कोर नहीं कर पाया रवि. जितना अच्छा फास्ट ब्रेक था, रिजल्ट पंजाब के बिल्कुल फेवर में नहीं. I told you there is some problem with the network in that part of the stadium. Again, बीच में ठीक हो गई थी. Communication lines crossed. It was almost in the Lucknow Navi Nawabi style. Pehle aap, pehle aap. Both players reluctant to get the shot off. I was very surprised. Harsimran achhi shooter hai. Khud unhone shoot kyun nahi kiya? Is beech shooting foul kiya gaya hai पंजाब की तरफ से तो श्री कला रानी गई हैं फ्री थ्रो लाइन पर, चैरिटी स्ट्राइक पर. पहला फ्री थ्रो उनका कामयाब रहा. 7 points the lead for Punjab. Kerala fighting back, fighting hard to come back into this match because they enjoyed a slender lead at the end of the first quarter, but Punjab have certainly done much better shooting in the second quarter and using that their
speedier players to get their shots off and pick up points regularly. With this time, Punjab point guard Komalpreet Kaur was living on the edge. 7 second ke baad wo ball ko half line ke baar lekar aayi thi. 8 second ke pehle aapko leke aana hota hai. Is baar three point. In fact, ek offensive rebound dene ki koshish thi, lekin nakamyabi mili. Shrikala on the fast break drive kiya hai. लेकिन डिफेंस अच्छा पंजाब का, वेल डन काव्या सिंगला जो कि सब्स्टिट्यूट सेंटर खेल रही हैं। देयर यू सी शिकला रानी द मोस्ट प्रोलिफिक स्कोरर ऑफ द केरला साइड दिस टाइम मिसिंग आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी फाइनल मिनट्स ऑफ द एंड दिस टाइम ड्रॉइंग अ फाउल ऑन द शॉट इज प्रियंका बहल सो टू पॉइंट्स विल काउंट एंड शी विल गो टू द फ्री थ्रो लाइन एज वेल सो देयर यू सी hit on the forearm will draw the foul जिसे हम कहते हैं hoop and harm, यानी आम के आम गुठलियों के नाम। दो पॉइंट मिले, उसके बाद एक फ्री थ्रो भी मिला। अगर पॉइंट ना मिलते पहले तो दो फ्री थ्रो मिलते, लेकिन अगर स्कोर हो गया उससे पहले फाउल हुआ तो एक फ्री थ्रो मिलता है, और एक फ्री थ्रो घूमते फिरते गिरते पड़ते कन्वर्ट हो गया। तो थ्री पॉइंट प्ले पूरा किया है, इसे थ्री पॉइंटर नहीं माना जाएगा, थ्री पॉइंट प्ले माना जाएगा। Score sheet mentions 2+1, जिसे एंड वन कहा जाता है। लॉन्ग पास बट बॉल विल गो केरला'स वे, सो टर्नओवर्स विल नॉट गेट हर्ट पंजाब। 9 पॉइंट द लीड फॉर देम, 51 सेकंड्स रिमेनिंग ऑन द क्लॉक इन द सेकेंड क्वार्टर। Kerala increase the tempo, that will be the key. Shikala Rani, difficult angle but on target. Tabhi Punjab ka defense is bar sota pakda gaya. Shikala Rani takriban half line se dribble karte hui andar aayi, Punjab ke char players ke beech mein se floater laga diya. Kisi ne unko rokne ki koshish nahi ki, kyunki already wo achhi shooter hai. Filhal Harsimran bilkul kamyab, 2 ka jawab 2 se diya. Punjab ki lead dobara 9 point ki, aur ab shot clock band kar di gayi hai kyunki game क्लॉक में ही 17 सेकंड बाकी हैं। Would have been the last shot by Kerala, but Punjab take it away. They will fire the last one, miss it completely. Harsimran has another chance, and they miss it yet again. And the clock runs out. So at the stroke of half time, Punjab have a 9-point lead. Great recovery by Punjab. And there you see the final shots. This is the first one, rimmed, ball picked up by Harsimran from the other side, again the rim, and then Kerala picked it up. So one after the other, two shots missed at the stroke of half time, and Punjab wouldn't be too worried about that because they still have a 9-point advantage going into the break. So after the two quarters of action, 20 minutes, 10 minutes each quarter, Kerala started off much strongly, had a 19-16 lead, but at half time it is Punjab sitting. Khelo India Youth Games 2020 ka dusra saptah yani 8th din shuru ho chuka hai, aur Assam ke bade hi khoobsurat Guwahati mein aap स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं, चाहे कबड्डी हो, रेसलिंग हो, ट्रैक एंड फील्ड, साइकिलिंग, आर्चरी, वॉलीबॉल, खो खो के बाद बास्केटबॉल पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। ये इंडोर स्टेडियम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो क्वार्टर्स हो चुके हैं। अंडर 21 गर्ल्स केरल बनाम पंजाब का मुकाबला चल रहा है। पहले क्वार्टर के बाद लीड केरल के पास थी 3 पॉइंट की, लेकिन दूसरे हाफ में पंजाब ने जबरदस्त वापसी की, दूसरे क्वार्टर में जबरदस्त वापसी की पंजाब ने और 9 पॉइंट की लीड ले ली जब उन्होंने अपने शूटर बदले। हरसिमरन की जगह ज्यादा प्रियंका बहल को, सुखमनदीप को और राजनदीप को प्ले में लेकर आई। एंड रवि, वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कोमलप्रीत कौर द पंजाब पॉइंट गार्ड एज वेल, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त रही।
Well, good recovery from Punjab and knew that their taller players were being very tightly marked by Kerala. So they started getting the ball out and got the other players involved. That really opened up the defense and created opportunities for Komalpreet and Harsimran to Priyanka and Harsimran also to get their act together. So Punjab certainly, when they spread the shooting around, they found much more success rather than just depend on their two taller players, Priyanka Bahl and Harsimran. So Rajandeep came to the party, so did Supandeep, and great distribution, as Sunil Taneja mentioned, by their point guard Komalpreet Kaur, their captain as well, and also the brains trust, the point guard is the one who runs the game. So that's how things stand at halftime. Punjab leading by 9. It's a 33 Kerala, Punjab 42. And here's what the tallest player in the match, who stands at 6'3", Harsimran Dhami, did in this game so far. Well, lambi height ka आपके पास एडवांटेज ये रहता है कि आप लो पोस्ट में जा सकते हैं. 15 पॉइंट हरसिमरन धामी ने लिए हैं, यानी कि पॉइंट्स के मामले में वो डबल डिजिट में पहुंच गई हैं. अगर रिबाउंड, स्टील, असिस्ट, ब्लॉक, इनमें से भी किसी एक कैटेगरी में वो डबल डिजिट में आ गई तो डबल डबल हो जाएगा. लेकिन 15 पॉइंट दो क्वार्टर के खेल में, 20 मिनट के खेल में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है. और लंबाई का एक बेनिफिट ये है कि आपको जो रिम है वो ज्यादा करीब दिखता है. शूटर आप अच्छे बन सकते हैं. इनफैक्ट लंबे कद के प्लेयर अच्छे डिफेंडर भी होते हैं, क्योंकि अगर आप फॉल बैक करके अपने रिम के नीचे आ जाते हैं तो वहां से डिफेंसिव रीबाउंड लेना भी ड्रेमोंड ग्रीन, प्रियंका बहल, हरसिमरन जैसे लंबे लंबे प्लेयर्स का कर्तव्य है. Unfortunately, Punjab's rebounding, especially on the offensive board, hasn't been the best. Anu Maria, the Kerala center wearing shirt number 11, has shown much better presence under the boards, especially on the defensive board. So it's Punjab in navy blue getting us underway, and Kerala in white will be shooting from left to right. Possibly delay from the technical table, getting all the gear and gadgets in perfect working order. Some problem with the shot clock there, which they are settling at the moment. Remember, teams have 24 seconds to hit the rim, get the ball away out of the hand and hit the rim as well to get another 14. The score 5. ठीक कबड्डी की तरह, जहां एक रेड पूरी करने के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है ज्यादा से ज्यादा, यहां 24 सेकंड का टाइम है. 24 सेकंड से पहले आपको बॉल अपने हाथों से रिलीज करनी है. बॉल इनबाउंड करेंगी राजनदीप, पंजाब आपके स्क्रीन के राइट. ओ, उनसे बॉल स्टील कर ली गई है अपर्णा के द्वारा. अपर्णा ने अपने सबसे प्रोलिफिक स्कोरर शूटर को ढूंढा जिनका नाम है श्रीकला, उन्होंने जलवा दिखा दिया. आई थिंक श्रीकला Rani should change her name to Madam Dependable. Getting a shot from every angle possible. That's what Kerala have started doing. She has become the go-to player for the Kerala side. Ravi Shrikala bhi abhi defense mein bhi thi. She is such an all-rounder. Shrikala ko phir bahut hi acha bounce, in fact air pass diya gaya, and she does it again. Shrikala ko agar aap double team nahi karenge Punjab to wo isi tarah score karti rahengi. Look at that cross court air pass, and Shrikala says thank you very much. Good strategy by Kerala. Get the ball to the player with the hot hands, and that's exactly what Kerala started doing. And how quickly does Anu Maria get involved? Shoots, gets 2 points to her name as well. So while one player is being targeted, Kerala have now brought the lead down to 5. Just 5 the lead. Cut down from 9. It's nearly lost it, Punjab. Punjab always take time to get going, which is working in Kerala's favor big time. Early shooting, early passing, both a little awry by the Punjab players. Kerala trying to take full advantage on the floor. Hands and legs flying all in all directions. So it will be
Kerala draw foul. That's Srikalarani really creating mayhem in the Punjab defense. और पंजाब के प्लेयर्स की आवाजें सुन रही हमें, की करते पे हो यार, माफ करो श्रीकला, श्रीकला का ड्राइव है लेकिन ट्रेवल कॉल किया गया है, ये स्कोर काउंट नहीं होगा। श्रीकला बॉल लेकर चल पड़ी थी, वो अलाउड नहीं है। ये देखिए, ढाई स्टेप आप नहीं ले सकते बॉल को लेकर, यू हैव टू ट्रेवल द बॉल, इसलिए वो स्कोर काउंट नहीं हुआ। क्या जिन्हें डबल टीम कर दिया गया था, प्रियंका पहल को, गुड स्टील देयर, श्रीकला वन वर्सेस वन, कैन शी स्कोर अगेन? Not this time, but she draws a foul. She draws a foul. Well, Punjab had absolutely no option but to foul Srikalarani. At least make her work hard. There you see, deliberately hit on the shoulder, showing it all to the referee. Not trying to hide it so that the point will not be counted. Players do that deliberately to show the referee they have fouled. Shot not counted. At least force the player to earn the point from the free throw line. बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी रहती है क्योंकि श्रीकला अच्छी शूटर हैं। अगर आप उन्हें फाउल ना करते, वो दो पॉइंट ले ही जाती। आपने फाउल किया तो उनको दो फ्री थ्रो मिलेंगे, शायद एक मिस हो जाए, यानी दो की जगह एक ही पॉइंट मिले केरल को। ये सोची समझी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, उम्मीद तो दुनिया कायम है। पहली उम्मीद तो श्रीकला ने उनकी तोड़ दी है। शी इज सच अ सुपरस्टार रवि, अपने डिफेंस में खेलती हैं, उसके बाद ट्रांजिशन में आके अटैक करती हैं, फ्री थ्रो दोनों कन्वर्ट किए। Well, that's exactly what the duty is for the small forward and small forwards are the speediest players on court because they move speedily and also are the best shooters. So she living up, Srikalarani living up to the responsibilities that have been entrusted to her. Another easy rebound for Anu Maria. Srikalarani will bring up the ball. Srikalarani involved in everything. Triple team there by Punjab, but travel. Twice Srikala has been caught traveling with the ball. Ab Kerala se travel karke Guwahati aa sakte hain, lekin ball leke travel aise nahi kar sakte. Double team kiya is baar, kam se kam Punjab ne apna defense zarur pukhta kiya thoda sa, lekin ab shooting bhi pukhta karni hogi. 9 point ki lead bachi hai, 3 hi point ki turn away lagaya, lekin offensive rebound, defensive rebound, dono ke dono rebound Punjab ke acche nahi rahe hain. Srikala ki shooting achhi rahi hai, hoop and arm draw kiya, 2 point mile, फाउल किया गया, एक फ्री थ्रो भी मिलेगा। पंजाब कोच सलोनी वेरी वेरी एजिटेटेड। देयर यू सी ऑफ द बॉल्स ऑन टारगेट, सो 2 पॉइंट्स देयर एंड हियर द फाउल कॉस्टिंग पंजाब पॉसिबली एन एक्स्ट्रा पॉइंट एंड स्कोर आर नाउ लेवल 44 ऑल। दैट इज व्हाट श्रीकला हैज डन। She had 18 at half time and possibly got 10 or 11 in the second. Easily Ravi, 30 point ke aas paas Srikala hai, hum aapko batayenge, lekin finally number 8 Priyanka Pahal, Punjab ki golden girl, form mein aayi hai, lekin ye quarter puri tarah se Srikala ke naam raha. This is a very terrible shot. ऑफेंसिव रीबाउंड देने की कोशिश थी लेकिन कामयाबी मिली नहीं। 2 पॉइंट की लीड पंजाब के पास है। दिस इज राजनदीप कौर, क्या 3 पॉइंटर अटेम्प्ट होगा? 3 पॉइंटर एक भी पंजाब का लगा नहीं है। पर केरला हैव स्टार्टेड गोइंग इनटू द एरिया, देयर इज द 3 पॉइंटर अटेम्प्टेड बट ऑफ द रिम एंड अवे, सो केरला विल इनबाउंड। Kerala in white, Punjab in navy blue. Kerala made a phenomenal recovery. 44-46, 2 points the lead for Punjab, but that can vanish at any moment because Kerala have been in such shooting form in this quarter so far. 3 fouls by Punjab already, no fouls by Kerala. 27 points in the name of Srikalarani. This time an easy put away without any problem for Rajandeep. Badi der baad itna acha talmel. Oh, Srikala ko kya overhead pass mila hai. Unko halka sa foul kiya gaya, lekin ye foul nahi mana jayega. Umpire bilkul end line ke piche khade the. Lucky Punjab this time. But I would count Srikalarani lucky because she was trying to shoulder her way in. There you see, using her shoulder to knock the defender away. And
एंड कुड वेरी वेल हैव बीन कॉल्ड फॉर अ चार्जिंग. बिल्कुल वो 50-50 मामला था, रेफरी ने दोनों को जाने दिया. ऑफेंसिव फाउल हो सकता था. बैक शॉट बॉल अंदर जाके बाहर आ गई है और शूटिंग फाउल ये करार किया गया है. अगर बॉल अंदर चली जाती, ये देखिए अगर चली जाती एक फ्री थ्रो मिलता, अंदर नहीं गई शूटिंग के दौरान फाउल किया गया तो दो फ्री थ्रो मिलेंगे. नो प्रॉब्लम विद द फर्स्ट फ्री थ्रो बाय हरसिमरन धामी. लीड बैक एट 5 फॉर पंजाब बट द अर्ली In roads by Kerala has left them in a spot of bother. Lead back at 6. 50 points up for Punjab. Kerala not too far behind at 44. सिर्फ दो थ्री पॉइंटर चाहिए या दो थ्री पॉइंट प्ले चाहिए केरल को. 6 पॉइंट की लीड बास्केटबॉल में कुछ भी नहीं मानी जाती. डिफेंस अच्छा किया पंजाब ने इस बार. फास्ट ब्रेक पर क्या खुद कुछ गुड बिहाइंड द बैक पास एंड शी शूट्स इट. राजनदीप कौर डज इट अगेन. राजनदीप कौर सर्टली मेकिंग अ बिहाइंड द बैक पास. वंडरफुली डन. ग्रेट टीम वर्क. Behind the board, no. Ball will stay with Kerala. Priyanka Bell a little disappointed at not having picked up. And there you see the ball once again. Behind the back pass. No problem for Rajandeep Kaur. Was actually expecting it. Sakshi Sharma, number 5, team ki point guard. Such a superstar. She's also a superstar. Oh, misses. Air ball this time from Shrikala. साक्षी शर्मा ने जो बिहाइंड द बैक पास दिया था बिल्कुल एनबीए लेवल का हमने वहां खेल देखा था. 8 पॉइंट की लीड पंजाब ने वापसी की है जब जब साक्षी शर्मा अपने पॉइंट गार्ड की. इनफैक्ट अब राधा मौजूद है जो असल में पॉइंट गार्ड का काम कर रही है टीम के लिए. दिस इज साक्षी. कोई कॉर्नर थ्री पॉइंट अटेम्प्ट नहीं. राजनदीप ड्राइव करके अंदर आई है. साक्षी को ढूंढा है. रेयर अटेम्प्ट फ्रॉम साक्षी. सक्सेसफुल मिड रेंजर. कम से कम 20 फुट दूर से शॉट लिया था साक्षी ने. Well, this is the duty of these smaller players to step away from the rim and take their shots, start converting them. That opens up the defense. The defenders have to guard. Shrikala Rani this time draws a double team under the rim. Mid-ranger not on target. Rajandeep picks up the rebound. Couldn't find any play, open player to take the pass. Ravi, that's a very rare defensive rebound by Punjab. केरल की स्ट्रेटेजी साफ थी कि ऑफेंसिव रीबाउंड देना है हमने श्रीकला को. गुड टीम वर्क. राजनदीप डज इट अगेन. सेल्फलेस प्ले फ्रॉम हरसिमरन. फाइंड्स नंबर 7 राजनदीप कौर. और श्रीकला अपने कोच को कह रही हैं कि टाइम आउट लीजिए क्योंकि पंजाब ने 12 पॉइंट की लीड बना ली है. देसी राजनदीप स्कोरिंग वेरी वेरी क्लोज टू द रिम बट गुड positional play. Kerala commit a turnover losing the ball without attempting a shot and Kerala finally taking a timeout. Manoj Xavier will want to have a chat with his players because their players started off very well in the third quarter but now again put on the back foot by Punjab who have managed to recover the lead. 56-44 the score. They are leading by 12 Punjab and it must be said that despite Shrikala Rani shooting so well, 27 points to her name, but others have not yet been able to support her. That's the difference, Ravi. Shrikala Rani akeli टीम के लिए स्कोर कर रही हैं. पंजाब के लिए ये एक अच्छी बात है कि प्रियंका बहल जो पिछले क्वार्टर में स्कोर कर रही थी ये क्वार्टर राजनदीप के नाम गया है. सुखमनदीप स्कोर कर रही हैं. हरसिमरन धामी स्कोर कर रही हैं. तो पंजाब के कम 4 प्लेयर हैं और केरल के लिए सिर्फ श्रीकला लोन वॉरियर. देयर शी इज सच अ सुपरस्टार बट इनको सपोर्ट चाहिए. स्मॉल फॉरवर्ड है अपने रिम के नीचे डिफेंस भी करती हैं दौड़ती भी हैं. दिस इज हरसिमरन धामी. बॉल साक्षी के पास है. डॉच दिया विरोधी खिलाड़ी को. ढूंढा उन्होंने कोमल को जो काफी देर से एक्शन में नहीं थी. ऑफेंसिव रिबाउंड नहीं मिलेगा. प्रियंका बैल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल एंड
Punjab will have the ball. This is Harsimran Dhami off the edge. Can't get it off. Open chance, Ravi. Koi defender aas paas nahi tha. Ye shot lena chahiye tha. Point milna chahiye tha. Ye Harsimran ko. Ball will stay with Kerala. Aparna Sadasivan will inbound. Ball called against Punjab. So Punjab have committed four fouls. So the team is in foul trouble. Another air ball. We've seen just too many of them from Kerala all of a sudden. प्रेशर रवि, आई थिंक जिस तरह से पंजाब ने लगातार अपने शूटिंग शुरू की थी उसके बाद से ये दूसरी एयर बॉल है. पहली एयर बॉल के बाद टाइम आउट लिया था कोच ने. अब राधा रानी पॉइंट गार्ड की भूमिका निभा रही हैं. ये कॉमन बॉल रूल की जा सकती है, ये रेसलिंग का मैच नहीं है. रेसलिंग हमने कल शाम को देख ली थी. Both players going for the ball, none willing to let go. Pin fall करने की कोशिश थी रवि. Pin fall से wrestling जीतने वाला ये move था. Referee certainly like it this time up. Oh, what a shot there! Possibly the shot of the match. Harsimran caught fade away jumper. Everything in, not even the rim came in touch. Goes to the free throw line for three-point play. Misses that one. Hoop and arm देखने में बड़ा अच्छा लगता है. श्री कला के handles देखने में बड़े अच्छे लगते हैं. Foul इन्होंने भी draw करवाया है. दो free throws मिलने वाले हैं अब श्री कला को. May not have been in the shooting action. There you see driving in, draws the foul. And because four team fouls are done, anything thereafter draws two free throws. So Srikala Rani, well, not the best player to choose to foul, but there Punjab didn't have much of a choice. Didn't have a choice. Agar foul na karte Srikala, wahan do point le leti. Aur agar foul kiya hai, to wo dono free throw knock down karengi. Srikala is a superstar for Kerala. लार्जेस्ट लीड ऑफ द गेम 14 थी जो अब घटके 12 रह चुकी है. पर पंजाब ने थर्ड क्वार्टर के आखिरी 5 मिनट में रवि जो वापसी की है वो कमाल है. Those kind of passes will certainly not help Punjab and allow Kerala a foot back in the door. Srikala Rani this time dribbles, over dribbles, going out of bounds. So Kerala almost returning the favor to Punjab. Punjab now need to control the pace. Good drive from Rajandeep, but bad pass stolen away by Srikala Rani. So yes, doing everything. ये स्टील उनके खाते में आएगा. विरोधी खिलाड़ी से बॉल छीना है. अब नए साथी को चुना है अनु मारिया. सी एस बड़ी देर बाद एक्शन में आई. एकदम ओपन लुक मिला उनको रिम का और कन्वर्ट किया. डबल डिजिट लीड अभी भी पंजाब के पास है. 10+2 12 नहीं होगा. डिफेंसिव रिबाउंड भी श्रीकला ने लिया. शी इज सच एन ऑलराउंडर. Definitely brings the ball all the way to the rim. This time outside rim, picks up an offensive rebound, but lost it. There couldn't control, trying to look around, and or Rajandeep Kaur in the open will add another 2 to a personal tally and 2 to the Punjab tally as well. There you see the pass and no defender anywhere. He close by, not even in the frame was a white shirt. पूरी की पूरी केरल टीम पंजाब के साइड में थी. बड़ा अच्छा पास ब्रेक पंजाब ने लिया था. थ्री पॉइंटर अटेम्प्टेड, नॉट ऑन द टारगेट. टू वर्सेस वन, विसल बजी है. फाउल जब भी पंजाब कमिट करेंगे दो फ्री थ्रोज केरल को मिलने वाले हैं. चार टीम फाउल आप ऑलरेडी कर चुके हैं. जिस प्लेयर पे फाउल होगा, प्लेयर है जोमा गेजो, वही फ्री थ्रो लाइन पे आएगा. टेक्निकल फाउल अगर कोई प्लेयर कमिट करता है तो कोई भी प्लेयर फ्री थ्रो ले सकता है, लेकिन इस लेवल पर आप टेक्निकल फाउल थोड़े कम देखते हैं, विच मीन्स डिसरिस्पेक्टिंग द ओपोनेंट और डिसरिस्पेक्टिंग द स्पोर्ट और डिसरिस्पेक्टिंग द ऑफिशियल. But Punjab will now lose the services of Sakshi Sharma because the technical table just flashed number red number 5, which means that she has committed 5 personal fouls. So Sakshi Sharma will play no more part in this play. This is Srikala's show.
This is the Srikala show for Kerala. Just unstoppable by the Punjab defense from the three-point line, under the rim, mid-range, everywhere. Wherever she gets an opening, she's found a shooting range. Such a superstar. बिल्कुल ही तो केरल की लेडी लिब्रॉन जेम्स कही जा सकती हैं रवि. डिफेंस कर रही हैं, रिबाउंड ले रही हैं, स्टील कर रही हैं, असिस्ट भी इन्होंने अनु मारिया को दिया था. एक ब्लॉक भी मुझे इनका याद है और स्कोरिंग तो 30 प्लस चल रही है. सच अ सुपरस्टार श्रीकला, लेकिन अकेली पड़ गई हैं. बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको मिला नहीं है. राइट नाउ इट्स जोमा गेजो जो कि फ्री थ्रो लाइन पर है. मिसेज द फर्स्ट फ्री थ्रो. क्लैप फ्रॉम पंजाब साइड. शाबाश शाबाश दे आर सेइंग. अमूमन जब भी कोई टीम फ्री थ्रो लेती है तो बास्केट के पीछे उनकी ओपोनेंट टीम के सपोर्टर होते हैं प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. यहां चूंकि गुवाहाटी में है तो ज्यादा पंजाब के सपोर्टर है नहीं. श्रीकला विल्ची अटेम्प्ट थ्री पॉइंटर. नो ड्राइव्स इन, फाइंड्स अनु मारिया एंड शी डज नॉट स्कोर अगेन. डिफेंसिव रिबाउंड राजनदीप कौर ने लिया है. वेल डन राजनदीप. Rajandeep has certainly livened up the action for Punjab because she started doing the outside shooting. Second opportunity for Harsimran Dhami and she does not miss. Easy put back there by Harsimran Dhami. Off the board. Lead now still 14. So it's a confirmation जो रवि बता रहे थे. पंजाब की साक्षी शर्मा अब गेम से इजेक्ट कर दी गई हैं. थ्री पॉइंट अटेम्प्ट एकदम निशाने पर. श्रीकला ने गुवाहाटी से शूट किया और कुआं में जाके निशाना लगा. कम से कम ये 26 फीटर था रवि. थर्ड थ्री पॉइंटर फ्रॉम श्रीकला. डूइंग एवरीथिंग राइट. शी नीड्स अ बिट ऑफ हेल्प. दिस टाइम प्रियंका बेल डज नॉट नीड एनी हेल्प. राइट अंडर द रिम गेट द पास एंड पुट्स इट इन फॉर टू मोर पॉइंट्स. 13 द लीड फॉर पंजाब. 64-51 and the third quarter will end at that score. This shot will not count. The referees wave it away. So third quarter ends in favor of Punjab. श्रीकला के अलावा पंजाब केरल की कोई प्लेयर बड़ी चुनौती नहीं पेश कर पा रही. आखिरी 10 मिनट इस गेम के. केरला रियली गॉट टू टर्न थिंग्स अप नाउ बिकॉज़ दे आर ट्रेलिंग बाय 13. पिक अप द फर्स्ट टू पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वार्टर एंड first foul as well. Foul has gone against Rajandeep Kaur. Two points will count. So a three-point play possible for Kerala. On the line is number four, Joma Gejo. Misses it. So foul not that expensive. शायद रवि जो पहला अटेम्प्ट लिया था वहीं पे फाउल करार कर दिया गया था कि दो पॉइंट जोड़े नहीं गए. Anyways, we'll come back to that. पंजाब का था सुखमन का. पहले में कामयाबी नहीं और इस बार अच्छा ब्लॉक, बेहतरीन ब्लॉक हरसिमरन का. वेल डन, क्योंकि अपर्णा सदाशिवन के पास एकदम ओपन लुक था. दिस इज अपर्णा. There you see almost scaring the defender away with that fierce block by Harsimran Kaur, really slapping the ball away. Final 10 minutes of this game. Remember, top two teams in each pool will go to the semi-finals, and the other two teams in this pool are Madhya Pradesh and UP. Another three-pointer to start. 2 points. The hand didn't go up. लक्ष्मी ने शूट किया था और जया लक्ष्मी को पहले ब्लॉक किया गया था. इस बार थ्री पॉइंट आर्क के अंदर से शूट किया. बड़ा सारा सेमी सर्कल देखिए, ये थ्री पॉइंट आर्क है. थ्री वर्सेस वन. अपने ओपन साथी को ढूंढा है जो है हरसिमरन. श्री
कला यहां भी मौजूद है। डिफेंसिव रिबाउंड लिया अपर्णा सदाशिवन फास्ट ब्रेक के साथ, गुड हैंडल फ्रॉम अपर्णा। इस बार श्रीकला ज्यादा शूट नहीं कर रही, अपर्णा कर रही है, अपर्णा स्कोर भी कर रही है। तो जो एक साथी चाहिए था श्रीकला को वो अपर्णा के रूप में उनको मिल रहा है। Smallest player on the court, Aparna Sadasivan, but certainly showing Rajandeep court this time. Misses it completely, the ball goes to Kerala, but Punjab has got to start scoring. They haven't scored a single point in 96 seconds. केरल ने 6 पॉइंट ले लिए हैं, 6-0 से आउट स्कोर कर रही है केरल आखिरी क्वार्टर में। श्रीकला शी इज येट टू स्कोर इन दिस क्वार्टर, ज्यादा इनफैक्ट पॉइंट गार्ड की भूमिका में लग रही है श्रीकला। डिफेंस कर रही है जरूर, लेकिन उतना जल्दी फॉल बैक श्रीकला नहीं कर रही जितना पहले कर रही थी, उनकी भूमिका थोड़ी सी चेंज है। राजनदीप 3-pointer अटेम्प्टेड, अभी भी 3-pointer नहीं मिला है पंजाब को पूरे गेम में। बॉल रिकवर्ड बाय श्रीकला, इट्स 2-on-2, कीप पोजेशन, केरला फाइटिंग फॉर द बॉल अंडर द रिम, पंजाब गेट्स द बॉल। अच्छा डिफेंस, बॉल मिली और उसको पकड़ के रख लिया अपने पास प्रियंका बहल ने। Priyanka Bell not able to trouble the Kerala defense too much in the third quarter or so far in the fourth. We are about 2.5 minutes gone in the fourth and final quarter. Punjab are yet to score. This is a deliberate foul. You know you are going to prevent the player from taking a shot, and that's because the foul was ruled as deliberate by the referee. Free throws given. Two shots for Kerala. Make the first one. Jayalakshmi it is. Srikala yet to score in the last quarter. Makes it count. Jayalakshmi, captain. Punjab ki lead bachi hai. Ab sirf 5 point ki. They are yet to score in the last quarter. Abhi third quarter mein bhi yahi hua tha. Pehle 3-4 minute Kerala ke naam rahe puri tarah. Aakhri 6 minute puri tarah Punjab ke naam rahe. Punjab looks like take time to get warmed up after every break, but they can't afford to relax too much. Another air ball shot taken by Srikala Rani. Srikala Rani, good pass under the rim to Jayalakshmi, the Kerala captain. Ball will stay with Kerala. Punjab a little slow off the blocks. Almost 2 minutes, 50 seconds gone. No points for Punjab. That's Punjab for you, Ravi. Already 2 foul bhi kar chuke hain. एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया है। श्रीकला 3-point अटेम्प्ट लेने के बारे में सोचा, इरादा बदला, अंदर आई, रेयर मिस फ्रॉम द चैंप। केरला नीड श्रीकला एंड नीड हर बैडली बिकॉज दे गॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस रन दैट दे क्रिएटेड द मिनी रन इन द थर्ड इन द फोर्थ एंड फाइनल क्वार्टर। 3 minutes प्लस गॉन, Punjab still to get on the board in the fourth and final quarter. Whistle gone before Priyanka Bell can get that pass away. Push on the back for Priyanka, but it will be inbound. There you see the whistle going against Anu Maria. Because it was a non-shooting foul, the player shoot नहीं कर रही थी, इसीलिए थ्रो इन मिला ना कि फ्री थ्रोज मिले। अगर आप शूट कर रहे हो तो फाउल हो तो फ्री थ्रोज मिलते हैं। प्रियंका ट्रिपल टीम किया गया है, सुखमन को टर्न करके शॉट किया, नाकामयाबी, एक भी पॉइंट अब तक नहीं मिला है। ये डिफेंसिव फाउल, ऑफेंसिव फाउल माफ कीजिए, कॉल किया गया पंजाब के खिलाफ। 3 फाउल उनके हो चुके हैं। श्रीकला के पास बॉल थी। Foul called on Komalpreet there, the Punjab captain, and that is what desperation does to you. You've been struggling with almost 3.5 minutes without a point, and the frustration starts boiling over. You start committing unnecessary fouls. और चूंकि बॉल श्रीकला के पास थी, and this is the new star, Aparna Sadashivan scores.
the fourth quarter. Smallest girl on the court is getting under the rim and finding space. This is a steal by Shrikala. Running it. Back and on target. 1 point the difference. Punjab have no option but to take a timeout. Break the rhythm. Shrikala hitting them and hitting them hard. 4 minutes, 5 seconds gone in the fourth and final quarter. Punjab are yet to score. Shrikala getting her shooting hands back in form. And Punjab have got to regroup and regroup very, very quickly. यही बात रवि और मैं पिछले क्वार्टर ब्रेक में कर रहे थे कि श्रीकला को थोड़ा सपोर्ट मिले तो पंजाब की दिक्कतें बढ़ेंगी. वो सपोर्ट उनको अपर्णा सदाशिवन और जया लक्ष्मी जो कैप्टन है उन्होंने दिया है. और ये देखिए एयर बॉल वापस पास उनको मिला. पूरी तरह से पंजाब के डिफेंस को राजनदीप को उन्होंने धता बता दिया. जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था. Making the defense run ragged. They don't know where to go, what to guard, because two players are shooting. That's when the defense goes completely haywire. And at the moment, Punjab really looking in a lot of trouble. They are 1 point ahead, but let's not forget, 4 minutes plus of action in the fourth and final quarter will start playing on their mind. No points yet in the final quarter. Look at how much time they're taking to bring the ball up beyond the center line. Remember, it's 8 seconds. Good defensive work once again. Shrikala fighting for the ball with Priyanka Bell. Shot clock will not be reset. Down to 11. So everything going against Punjab at the moment. पिछले क्वार्टर में भी पंजाब की हालत खराब थी शुरुआत में, लेकिन टाइम आउट के बाद उन्होंने वापसी की थी. पहले पॉइंट आखिरी क्वार्टर में हरसिमरन धामी ने दिलवाए हैं. क्या अब बैरियर टूटा है? और केरल की पंजाब के जो सपोर्टर हैं, डिफेंस डिफेंस बता रहे हैं आपको बचना है इस डबल अटैक से. थ्री पॉइंटर की कोशिश नहीं की. जयलक्ष्मी ने अंदर आई है. ऑफेंसिव रिबाउंड नहीं मिलेगा. बॉल को अंदर रखने की कोशिश अच्छी थी हरसिमरन की, बट इनबाउंड करेंगे केरल. Punjab finally getting on the boards. There you see an attempt by Harsimran, but missing. On the floor, recovered by Kerala. Get it out, but Jaya Lakshmi, the Kerala captain, can't keep it in play. Rare misplay there by Kerala, especially in the fourth and final quarter. Difference just at one shot. 3 points the lead for Punjab. That is no lead at all in the game of basketball. In fact, unki lead ek samay 14 point ki thi third quarter mein. Bachi hai sirf 3 ki. Basketball ka khel kitni jaldi kisi bhi team ko wapsi karwa sakta hai. Bahut acha block Shrikala ka. Zabardast defense. Shrikala is now on the attack as well. On the fast break. शूट करने का स्पेस उनको पंजाब ने राजनदीप ने नहीं दिया है, बट उनके पास जया लक्ष्मी है. कॉर्नर थ्री की कोशिश. गुड डिफेंस इस बार. लो पोस्ट में अच्छा काम किया गया पंजाब की तरफ से. दिस इज राजनदीप. ढूंढा उन्होंने कोमलप्रीत को. बड़ी देर बाद एक्शन में आई है प्रियंका बहल एंड शी इज सक्सेसफुल. प्रियंका बहल वॉज रियली एक्टिव इन द फर्स्ट क्वार्टर, बट now in the fourth and final quarter when Punjab need her, can she pull things away? Second three pointer attempted by Kerala, but unfortunately for them not on target. Will they go out again? Yes they do, but at the wrong pass. Priyanka Bell, Shrikala and Harsimran Dhami seems to have hurt herself. She was asked for the ball near the rim. Makes no mistake. दोनों तरफ से रिम टू रिम बड़ा अच्छा एक्शन. श्रीकला के सामने पांचों पंजाब के प्लेयर हैं, फिर भी वो स्कोर करने में कामयाब, फाउल भी ड्रॉ करने में कामयाब. थ्री पॉइंट प्ले कंप्लीट करने का मौका श्रीकला रानी के पास. ये देखिए, जब उन्होंने शॉट लिया तो उनको यहां फाउल किया गया. क्योंकि शॉट लग गया तो एक फ्री थ्रो मिलेगा, नहीं लगता तो दो फ्री थ्रो मिलते.
Well, the shot countered, so a three-point play possible. Lead will stay with Punjab, but just 2 points if she makes it. And not too expensive. Rajandeep in trouble, and he lost the ball there. Recovery by Punjab. Desperate time for them. Cross court pass. ये अच्छी passing है. Bounce pass दिया गया है. Turn away लगाया. Harsimran Thami back to back score किया. Turnaround layup there from Harsimran Kaur. So Harsimran Thami and suddenly Punjab, as we say, keep saying, woken up and woken up late, but still better late than never. Off the rim will be recovered. Rajandeep a little casual there, but no damage done. This is Harsimran Thami back to back 2-pointer लगाए हैं. Bank shot इस बार bank में पैसा गया तो नहीं लेकिन प्रियंका बहल हैं उनको foul किया गया है और ये दो फ्री थ्रोज का मौका प्रियंका बहल के लिए. ये देखिए ऑफेंसिव रिबाउंड प्रियंका बहल ने लिया और जब वो शूट करने लगी उनको फाउल किया गया एंजेला सनी के द्वारा. तो चूंकि 2 पॉइंट का अटेम्प्ट था तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे. पंजाब अ लिटिल रैटल्ड पॉसिबली बाय देयर loss of their playmaker Sakshi Sharma, who's fouled out at the start of the fourth quarter, and that possibly put them out of sync, not getting their plays right. Both missed theirs. The foul, not too much, as they keep saying, you don't have to exhaust your fouls early, keep them for late in the game where they might come in handy, and that time it did come in very very handy for Kerala. तो यहाँ उलट हुआ है. पंजाब ऑलरेडी फाउल ट्रबल में है. चारों फाउल कमिट कर लिए हैं. हर एक फाउल 2 फ्री थ्रो देगा केरल को. और फाउल किया किस पे? श्री कला पे किया, जिन्होंने अब तक एक ही फ्री थ्रो मिस किया है पूरे गेम में. That is a perfect example of wasting your foul, because you foul a player who is not likely to miss from the free throw line. She's already converted thrice. I think she's got an 80. I don't think she has missed a free throw today. 80 plus 100% उनका free throw shooting रहा है, उससे भी ज़्यादा होगा. पेट में से मिस कर दिया इस बार. बॉल अंदर जाके तकरीबन बाहर आई है. हरसिमरन धामी वंस अगेन खुद को अनमार्क रखा. फ्री थ्रो लाइन से शूट किया. विल गेट 2 पॉइंट्स. गुड ब्रेव शूटिंग देयर फ्रॉम हरसिमरन धामी. अंडर 2.5 मिनट्स. Ball kicked away by a Punjab player, so it will remain with Kerala. Lead now 5. Punjab cannot afford to make any mistakes now. Clock ticking down to 2. Quick play under the rim, but good defensive work by Punjab. Prevent Kerala from taking the shot. Off the line, off the board. Kala, does she ever miss? Never. Such intelligent play by Kerala. कॉर्नर थ्री की कोशिश की थी जयलक्ष्मी ने. उन्हें मालूम था लो पोस्ट में श्री कला मौजूद है. बड़े आराम से उन्होंने स्कोर किया. 40 पॉइंट अकेली श्री कला के नाम इस समय है. 2 मिनट से कम का टाइम बाकी है. प्रियंका बहल को फाउल किया गया. दिस इज गुड. हुप एंड हम. 2 पॉइंट मिले. एक फ्री थ्रो लेने का मौका फिर से पंजाब के लिए. Free throws certainly add to your tally, and this is good tactics by Kerala. Try and prevent the shot from going in. Priyanka Bell doesn't miss, so that is a 3-point play completed by Priyanka Bell. 77-71. Game has been much tighter than what the score would indicate. 3-pointer attempted, not on target, but Kerala, couldn't keep the ball, couldn't keep possession. Now Punjab can afford to wait with the shot. No need to hurry it. Harsimran Dhami trying to drive in. इंटेलिजेंट प्ले. हरसिमरन ने शॉट नहीं लिया. केरल के प्लेयर की बॉडी को बॉल लगा के बाहर भेजा, यानी कि अब इनबाउंड पंजाब के प्लेयर करेंगे. 15 सेकेंड है. आप ऑफेंसिव रीबाउंड लीजिए. 14 सेकेंड आपको फिर मिल जाएंगे. शॉट मिल गया तो अच्छी. श्री कला, शी इज अ स्टार. स्टील्स द बॉल एंड इज लाइकली टू स्कोर. शी सेल्डम मिसेस. वेल,
I think Harshamran Dhami bailed out. She wanted to commit a foul, sprinting down, and at the last second, just bailed out. Realized who the player was, says no point wasting a foul. बिल्कुल, अगर उन्होंने स्कोर किया तो बॉल आपको मिलेगी, बॉल पंजाब को मिली है, they have made it count. Look at that. हरसिमरन धामी के ऊपर फाउल किया गया था और शूटिंग फाउल के दो फ्री थ्रो मिलेंगे, लेकिन टाइम रुक जाता है जब भी आपको फ्री थ्रो मिलते हैं. 4 point की लीड, अगर दोनों फ्री थ्रो काउंट हो गए रवि, 6 point, पंजाब कैन ब्रीथ अ लिटिल इजीली आफ्टर दैट. 5 the lead, the first free throw on target. Now this will be a big fight if she misses for the rebound. Misses. और ये deliberate miss करते हैं player, जानबूझ के miss करते हैं. कहीं offensive rebound मिल गया, 14 second और मिल जाएंगे. Very rightly picked up, Ravi. Missed it deliberately. Priyanka Bell was charging in, but unfortunately, there you see, hitting the board, backboard, and on the reverse side, timeout immediately called by Kerala. They need to regroup. They've just got under 56 seconds. So, 3 plays possible, and in those 3 plays, 42 points for Srikala Rani so far. Without a doubt, the superstar of the game. No wonder we call her Lady LeBron James of Kerala in under 21 girls here at the Khelo India Youth Games. 42 points is massive. Her teams are struggling to get to 42 together in 40 minutes of play. She's alone short of 42 point game. And with a little bit of help, especially if it was Anu Maria, the center, who started off very well, but suddenly went off the boil and started missing. And now Kerala not even getting her involved under the offensive rim. We hardly see Anu Maria being involved in the attack. That is, I think, the biggest problem for Kerala, that their center has been not very active. Oh, the rare miss from Srikala. ड्रिबल करते हुए बॉल उनसे स्टील कर लिया गया पंजाब की तरफ से, और आराम से बॉल को इनबाउंड करेंगी. 20 सेकंड का टाइम है, पूरा टाइम 20 सेकंड का लीजिए. नो नीड टू हरी. हाँ, आप बॉल लेके पीछे नहीं जा सकते, आप बैक कोर्ट वायलेशन नहीं कर सकते, आपको फ्रंट कोर्ट में ही रहना है. गुड स्टील फ्रॉम केरल, कैन दे मेक इट काउंट. 3 point इन 2 pointer अटेम्प्ट है लाइन के ऊपर से. ऑफेंसिव रीबाउंड श्रीकला को देने की कोशिश थी. दिस इज अनुप्रिया. 25 feet of the goal, and boom, bombastic from Kiran. Everything to play for. The 3-pointer from Jayalakshmi, the Kerala captain, coming absolutely when Kerala are fighting for survival. Definitely 1 foot behind the line, but what a shot! What a shot, and what a time to get it. Remember, referees raise their 3 fingers as soon as the player takes the shot to signal to the bench that yes, the both feet are outside the arc. And she was well outside, Ravi. Kam se kam 25 footer tha. Aur uske immediately baad Punjab ki coach Saloni ne time out bulaya hai. Kyunki 32.6 second baki hain. Itne time mein aap 2-3 3-pointer aur attempt kar sakte hain. Harsimran Dhami, well, superstar from Punjab. 31 points for her. Comes from Kapurthala. Down very close to Jalandhar. And the tallest player in the game, standing at 6 feet 3 inch, also played for India. Harsimran Dhami went to USA for advanced training. But right now, the ball will be with Rajandeep Kaur. Nearly made a backcourt violation, taken away by Srikala. Fast break there, 2 points. No! That could have cost Kerala the match. And now Punjab has never scored. जाते जाते आखिरी सेकंड में
रोचक मैच जीता है, 2 पॉइंट से इस गेम को अपने नाम किया। श्री कला का सुपरस्टार परफॉर्मेंस उनको जीत नहीं दिलवा पाया, बट रवि दिस वॉज सच अ ग्रेट मैच टू वॉच। Seesaw battle between Kerala and Punjab, and Punjab stretched to the very limit, nearly took it into extra minutes there. Kerala, one shot, Aparna Sadasivan missing that one, open layup under the rim, absolutely no pressure there, no blue shirt within a meter and a half of her, that's where Kerala stumbled. अपर्णा चौथे क्वार्टर की नंबर टू जो है, चौथे क्वार्टर की स्टार्ट में स्टार थी, दो दो तीन तीन डिफेंडर्स के बीच में से उन्होंने शॉट लिए हैं, और जब कोई डिफेंडर उन पर मार्क करने को नहीं था तब मिस कर गई। दिस इज बास्केटबॉल फॉर यू, बट हैप्पी स्माइलिंग फेसेस इन द एंड, सो गुड टू सी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। गले मिलिए, हाथ मिलाइए, एक दूसरे को बधाई दीजिए, क्योंकि दोनों टीम सेमीफाइनल में जाने की प्रबलता